हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप वजीरक्स में किस तरह किसी भी कॉइन को बाय या फिर सेल कर सकते हैं। जी हाँ, वजीरक्स एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि अपने इंडियन रुपीज़ को या फिर किसी भी डॉलर या को आप कन्वर्ट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं क्रिप्टो करेंसीज़ में। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो की बाय करना या फिर सेल करना। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी वजीरक्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाया हूँ कि किस तरह आप इसमें केवाईसी करेंगे। एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड करके यहाँ पर इसका केवाईसी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह आप किसी भी कॉइन को परचेज करेंगे, यानी कि बाय करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैं वजीरक्स एप्लीकेशन को ओपन करके रखा हूँ और इसके मार्केट के सेक्शन में अभी हूँ। यहाँ पर सारे कॉइन्स आपको दिख जाएंगे यहाँ पर कि किस कॉइन्स कौन सा कॉइन अपर जा रहा है, कौन सा कॉइन नीचे गिर रहा है अभी इसका प्राइस। ठीक है, इस तरह आपको ऊपर में कुछ सेक्शन दिखेंगे, INR, USDT, WRX, यानी कि आप जिस भी जो भी अमाउंट आपके पास अवेलेबल है, अगर आपके पास INR में अवेलेबल है तो उसको एक्सचेंज कर सकते हैं किसी भी कॉइन से, या फिर USDT में है तो उसको भी चेंज कर सकते हैं किसी भी कॉइन से। तो इस तरह, ठीक है, इससे पहले किसी भी कॉइन को परचेज करने से पहले आपको एक प्रोसेस करना होगा, वो क्या है, डिपॉजिट करना होगा। डिपॉजिट करने के लिए आपको पहले जो आपको लास्ट वाला जो सेक्शन दिख रहा है फंड्स का, इस पर आपको आना पड़ेगा। आने के बाद देखिए यहाँ पर क्या है कि मेरे INR में अभी आपको 172 रुपीज़ दिख रही है, जो कि मैंने एक वीडियो बनाने के लिए ऐड किया हूँ ताकि यहाँ पर आपको लाइव दिखा सकूँ। यहाँ पर पैसे डिपॉजिट करने की एक दो प्रोसेस है, ठीक है, मैंने जिसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना के रखा हूँ और जिसका सबसे ईजी प्रोसेस UPI के द्वारा जिसमें हो जाता है डिपॉजिट, उसका मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। उस वीडियोज़ को देख के आप यहाँ पर पैसे डिपॉजिट कर लीजिएगा। मिनिमम डिपॉजिट जो है 100 रुपये है, अभी आप IMPS के थ्रू मत कीजिए। क्यों मत कीजिए, उसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 100 रुपये यहाँ पर ऐड कर लेंगे, 3 रुपये चार्ज कटेगा, 96 रुपये लगभग आ जाएगा। ठीक है, आने के बाद अभी हमारा होता है एक प्रिडिक्शन का। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सारे कॉइन्स दिखेंगी, आप थोड़ा सा इसमें प्रेडिक्शन वगैरह कर सकते हैं, यानी कि मैंने इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि किस टाइम पे आपको किस कॉइन में पैसे लगाने हैं, और मैं ऐसे वीडियोस लाता ही रहता हूँ। तो यहाँ पर एक सिंपल भाषा में आप ये समझिए कि जब किसी भी कॉइन का जब प्राइस पूरा हाई हो, उस टाइम पर उस कॉइन को मर्ज परचेज कीजिए, क्योंकि इवन वो फिर नीचे जाएगा या फिर हो सके तो ऊपर भी जाएगा, लेकिन प्रायोरिटी ये रहता है कि यहाँ पर जिस टाइम पर वो कम कीमत है, आप सपोज एक चॉकलेट की कीमत जब 2 रुपये है उसी टाइम उसको खरीद लीजिए, फिर जब 10 रुपये होगा तब आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपने 10 रुपये में ही खरीद लिया तो हो सकता है कि 12 रुपया हो, लेकिन फिर 2 रुपया भी हो सकता है। तो इस सेंस में ये सारी चीज़ें ऊपर जा रही, तो हम लोग इस सब में नहीं खरीदेंगे, और 100 रुपये में आप छोटे कॉइन्स पे ही लगाइए जो कि एक ज़्यादा आपको रिटर्न यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो अभी मैं सपोज यहाँ पर डेंट में लगा सकता हूँ या फिर BTT वगैरह विन वगैरह में, तो अभी मैं डेंट में ही लगाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर डेंट मुझको दिख गया, इस पर आपको क्लिक करना है। आप किसी भी कॉइन में लगा सकते हैं, ये एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पर नो डाटा अवेलेबल बता रहा है, नेटवर्क का इशू होगा। हम दूसरे कॉइन्स पे अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं, आने के बाद हम BTT पे ही देख लेते हैं। देखिए इसे एक डाटा अवेलेबल है इसका, बीच में आपको एक सेक्शन दिखेगा बाय और सेल का, इस पर आपको क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे में यहाँ पर आपको दिखेगा 172 रुपये जो कि मेरे INR में पड़े हुए हैं। तो यहाँ अगर आप 100% कर सकते हैं तो आपका टोटल 171 रुपये इतना आपका लग रहा है। आपका कितना मिल रहा है BTT? 332 BTT आपको मिल रहा है एट अ प्राइस 55 पैसे के प्राइस से। यहाँ पर बाय के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे आपको स्लाइड कर देंगे, यहाँ पर आपका देखिए BTT जो है आपने यहाँ पर परचेज कर लिया, आपको परचेज कर लिया। इसके बाद आप बैक कर देंगे, एक बार फंड के सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पर BTT आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह यहाँ पर ऑर्डर में जाके आप देख सकते हैं हिस्ट्री में कि आपने जो BTT परचेज किया, देखिए अभी का टाइम आपको बता रहा है यहाँ पर परचेज कंप्लीट। इसी तरह सेल करने के लिए किसी भी कॉइन को आपको क्या करना पड़ेगा, फंड्स में आना पड़ेगा, यानी फंड्स वो है जहाँ पर आपने अपने फंड्स को इकट्ठा करके रखा है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद सपोज हम BTT का एग्जांपल ले, इसको हमको सेल करना है जो कि मेरे पास है। यहाँ पर आप इसके बाद आपको दो ऑप्शन देखेंगे, ट्रांजेक्शन का यहाँ पर हिस्ट्री शो करेगा और आपको उसके बगल में देखेगा मार्केट का ऑप्शन, ये वाला, इस पर हमको आ जाना है। तो यहाँ पर या तो BTT को आप INR में एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर USDT में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो हम करेंगे INR में। ठीक है, INR में करने के लिए INR में क्लियर यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नो चार्ट डाटा अवेलेबल बता रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको फिर से जाएंगे बाय और सेल के ऑप्शन पे, यहाँ पर जैसे आएंगे तो यहाँ पर आपको सेल पे क्लिक करना है। सेल पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास टोटल BTT कितना पड़ा है, 3179। यहाँ पर आप जितना अमाउंट चाहिए BTT आपको सेल करना, जैसे मैं 52 BTT या फिर 522 BTT सेल कर देंगे, इसी तरह यहाँ पर सेल हो जाएगा। तो एकदम ईजी सब प्रोसेस, मैं इसको अभी सेल करना नहीं है सो मैं इसको अभी बैक कर लेता हूँ। तो इसी तरह आप किसी भी कॉइन को बाय कर सकते हैं यानी परचेज कर सकते हैं, इसके बाद किसी भी कॉइन को इजीली सेल भी कर सकते हैं।
तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यहाँ पर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं, या फिर आपको कोई और यहाँ पर जानकारी या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आप कमेंट्स में बोल सकते हैं, और हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और हम आपसे फिर मिलेंगे हमारे एक नए वीडियो में। तब तक हमारे साथ बने हुए रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।